हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज़ प्रवीण। वेलकम टू चैनल रोडीज रांची ब्लॉग्स। तो आपको कुछ सबसे ही अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ जो जबलपुर इसके लिए फेमस है। ये है आपका रानी दुर्गावती समाधि स्थल है नरई। ये एरिया नरई पड़ता है जहाँ पर उनको दफनाया गया था, जो नारी नरई एरिया में। तो ये जो आपका समाधि स्थल में जस्ट बैक साइड, अभी चलेंगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मुगलों के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था। कुछ डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर है वो आपको दिखाते चलें। पीछे आप देख सकते हो ये रानी दुर्गावती जी का समाधि स्थल, जो 1500 ईस्वी के लगभग उन्होंने यहाँ पर, मतलब ये समाधि मुगलों के साथ जब युद्ध हुआ था तो अपना लड़ने के पश्चात उन्होंने अपनी मुगल के हाथ ना लगे तो अपने से वो खुद अपना बलिदान कर लिया था। तो ये एक्चुअली रानी दुर्गावती गोंड ट्राइबल से बिलोंग करते हैं, गोंड जाति। तो ये देख सकते हैं उनका समाधि स्थल, बहुत ही खूबसूरत। और ये एरिया देख सकते हैं, वेरी नाइस। नरई जबलपुर से लगभग कम से कम कितना 20 किलोमीटर, 18-20 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। इस तरफ इधर से आना है, नरई टाइप कर लेना, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का एरिया जो जबलपुर सिटी में उनका किला है। दादा बोलिए। तो आपका गांव यहीं पर है। आपका नाम क्या है दादा? ग्रानी। ग्रानी, ग्रानी। तो दादा यहीं, आप यहीं हमेशा बैठे रहते हो? दुर्गा मैया का सब कुछ दिखा के जिंदा उठाई। अच्छा, जब से बाल बाल रहा जब से पानी गया सब देखा भी काम तो लगे सब। और वो क्या है उधर वो साइड? रानी को लड़काया भी लड़ा। अच्छा, वो हाँ। और पहला बड़ा जो रूपू हो राजा। अच्छा, वो भी समाधि स्थल है। हाँ, अच्छा। हाथी समाधि वो तो कर दी रानी ने। हाँ। और अपने बेटा की तो कर दी। हाँ। और अपने हाथों में रही लाला से लौट के आने। अच्छा, तो यहीं पर रानी दुर्गावती को दफनाया गया था। अब दफन हाय हो चाहे जैसे हो। हाँ। अब हम ही सही खुद से परिये के तो आए। हाँ। तो पत्थर घुर रहा थे। अच्छा, वो पगडंडी गली होती है। मैंने भी पढ़ा था यहाँ के बारे में। बाकी साल हमारी हो गई और दुर्गा मैया की सेवा कर रहे 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए आपके? हाँ, साफ सफाई बिल्कुल। अच्छा,
इतने लोग हरिया खाई होते रहे, नाम जो भी ईटा गिर गए, रेता गिर गए, बड़ी बार है तो इसकी लगा दे बहुत डॉक्टर के घर में दर्द आए रोटे खिला दी मगर इतने अच्छा लगा था। और इसके नाम से 24 जीवों के कितना पैसा लेकर आते, 3 दिन रैली पूछ मुझ के चल लिए थे तो नहीं देखने के कहा होते। ये रानी दुर्गावती गोंड जाति से थे ना? हाँ। आप किस में आते हैं? गोंड है। अभी मैं अभी गया था, पायली गया था घूमने के लिए। पड़ते थी गोंड महादेव की। अच्छा। और ये मरकावन बेटी है। अच्छा, तो ये एरिया में सारे गोंड लोग रहते हैं। मोहबा की रानी माइको मोहबा मल्ला आना जाना गौर के खाले सरपटा है नीम कीड़ा। अच्छा, पहले जाते सही। तो ये दादा घूमना ना दादा? हाँ घूमा उधर। तो दादा गोंड ट्राइबल से बिलोंग करते हैं और यहाँ देख रेख करते हैं दादा, तो कभी भेंट करो तो इन्हें भी। 26 जनवरी का मेला लगा लगा यहाँ, बहुत खतखत मेला लगा। आप कहते हैं झंडा चल रहे हैं मेला लगा। अच्छा, और 4 बजे रात से। हाँ, और झंडा तो बनाएंगे कि यहाँ पर। चलो ठीक है, ठीक है दादा, चलता हूँ मैं ना, आऊँगा तो दादा से ज़रूर मिलना। अगर इनको कुछ आप दे सके तो अच्छा, क्योंकि ये हमेशा रहते हैं, देखभाल करते हैं यहाँ के एरिया का। तो दादा से ज़रूर भेंट करो, है ना। चलो तो गाइस यहाँ पर विजिट करो, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन जबलपुर सिटी। जबलपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, बता दें आप लोग, 10-15 किलोमीटर के अंदर ही आपको ये डिस्टेंस मिलेगा। बरगी डैम की ओर पड़ता है ये एरिया। Do visit and अगर अंदर में दादा मिलते हैं तो कुछ दान दे दो, पैसे वैसे तो अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट ब्लॉग्स मिलते हैं।